थाना धौलाना क्षेत्र में हुई मां बेटी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका शहजादी के जेठ जेठानी सहित तीन ससुरालियों को गिरफ्तार किया है। शहजादी के चाल चलन के शक में ससुरालियों ने हत्या का दावा किया है। आरोपियों के कब्जे से मृतका की टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल व घटनास्थल से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर बरामद किया है। जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व धौलाना के गांव क्षेत्रांतर्गत सहारा सिटी कॉलोनी शेखपुर खिचरा में एक बंद मकान से बदबू आने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा तो मकान के अंदर मां बेटी के शव पड़े ही बरामद हुए। थाना धौलाना पुलिस व जनपदीय एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए मां बेटी की हत्या का खुलासा करते हुए एक महिला सहित तीन हत्यारों मसूरी निवासी फुरकान मृतका खुशबू का जेठ राशिद पुत्र उमर निवासी सैदगन गली ससुर व गुलफासा जेठानी को निधावली नहर पटरी देहरा से गिरफ्तार किया गया है। धौलाना थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था जिसमें शहजादी और खुशबू बच्ची थी जो कि 22 वर्ष की थी और उसकी माँ थी जो कौशर 62 साल की थी। उस अपने घर में ये दोनों मृत अवस्था में मिली थी और अगल बगल पड़ोसियों को जब बदबू मिली तो उसके बाद उन लोगों ने सूचना दी थी, तो बाद में पुलिस गई थी वहाँ पे और उनकी डेड बॉडी बरामद करके पीएम कराया था। इस पूरी घटना का 48 घंटे के अंदर हापुड़ पुलिस ने इसका अनावरण किया है और इस घटना में शामिल जो खुशबू है उसका हस्बैंड समीर और फुरकान जो कि समीर का बहनोई है और गुलफासा जो कि समीर की जो बहन है और राशिद जो समीर का पिता है, इन चार लोगों का घटना में अनावरण हुआ है और जिससे पता चले कि इन चार लोगों ने मिल करके जो है इसका मर्डर किया है जिसमें राशिद जो है 120B का अभियुक्त है और इसमें फुरकान और गुलफासा और राशिद की गिरफ्तारी, तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है और एक और अन्य मोटरसाइकिल जो मृतका थी उसकी उसके हस्बैंड उसको लेके भाग रहा था वो मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। समीर की गिरफ्तारी अभी शेष है, उसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं, अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या रीज़न रहा था मर्डर का, क्यों मर्डर किया गया? समीर जो शहजादी और खुशबू के चाल चलन से वो परेशान था और उसके लगातार फ़ोन आते थे और उसको शक था इस बात का कि वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है, बार बार चीज़ों को मना करता था, वो नहीं मानती थी, इस नाते उसने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी। किस तरीके से हत्या की गई थी दोनों महिलाओं की? इन दोनों महिलाओं का गला घोट करके और मुंह पे दबा करके जो है इनको मारा गया था।